विवेक, क्योंकि टीम एफर्ट है और इसी वजह से हम चैंपियन बने। लेकिन फिर भी जैसे कि आपने कहा कि इस टीम में कुछ अलग बात है, आज मैंने कुछ अलग देखा इस टीम में, तो मैं चाहूंगी ये भी आप बताइए कि कौन से प्लेयर के लिए आपने क्या सोचा था और वो प्लेयर आज कैसा चला। जो जीत हमने हासिल की है उसके पीछे आप किसको श्रेय देंगे। वैसे तो ये टीम वर्क है, लेकिन फिर भी अगर प्लेयर्स की बात की जाए, उनकी चर्चा की जाए, तो मैं चाहूंगी उस पर भी आप कमेंट करें। देखिए, आकाश भाई हैं, अतुल भाई हैं, ये सब अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि अगर अगर आपको एक टूर्नामेंट जीतना है तो आपको एक खिलाड़ी आपको टूर्नामेंट जिता सकता है, एक दो प्लेयर आपको मैच जिता सकते हैं। टूर्नामेंट जिताने के लिए टोटल टीम एफर्ट चाहिए। इस टीम में क्या अलग बात थी, इस टीम में अलग बात ये था कि अभी तक जितने भी टेम्पलेट थे, अगर आपने कहा कि यार दो चौके मार दिए, दो छक्के मार दिए, खराब शॉट मारने की क्या जरूरत थी, इस टीम में जो है वो दम था कि अगर दो शॉट लग गए तो तीसरा शॉट के लिए भी जाएंगे, सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच नहीं लेंगे। वो एक बहुत अलग माइंडसेट है इंडियन टीम का, जो अभी तक तो किसी इंडियन टीम में नहीं था। वो ना तो एम एस धोनी की टीम में था और ना ही वो विराट कोहली की टीम में था, और ये रोहित शर्मा की टीम में है। हम बार बार सवाल उठाते रहे कि क्या शिवम सूर्य को टीम में होना चाहिए, क्या विराट कोहली को ओपन करना चाहिए, क्या अर्शदीप को खिलाना चाहिए, तो किस खिलाड़ी को कब कहाँ कैसे खिलाना है, वो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इस टीम अलग था, ये टीम जब सेलेक्ट हुई, ये टीम अभी नहीं बनी, ये टीम लगभग एक साल पहले बन चुकी थी। रोहित शर्मा जो फाइनल हारे थे उसके बाद से ये सारी प्लानिंग शुरू हुई थी। तो हर एक डिपार्टमेंट में अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया, प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया गया, उनको रोल बहुत क्लैरिटी से दिया गया, और सबसे बड़ी बात ये थी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इंडियन टीम को किस तरीके से क्रिकेट खेलना है तो इसी तरीके से क्रिकेट खेलना है। यही सबसे अलग बात है पूरी टीम की। और मैंने जिस तरह टूर्नामेंट कवर किए हैं, जितने भी वर्ल्ड कप मैंने कवर किए हैं, ऐसा जो है अग्रेसिव और बोल्ड जो है इंडियन टीम मैंने नहीं देखी। एक वन वर्ड ऑन द टीम मैनेजमेंट ऑल्सो यार, क्योंकि जो हमने बार बार देखा, हमने अक्षर को पाकिस्तान के सामने ऊपर आते देखा, हमने हॉर्सेस फॉर कोर्सेस खेलते हुए देखा, सेमीफाइनल में हम सबको हैरान कर दिया था, दुबे को नीचे किया, जड्डू को ऊपर भेजा, आज फाइनल के अंदर हार्दिक को नीचे किया और दुबे को ऊपर भेजा। आई मीन काम तो कुछ इन्होंने ऐसे किए जिसपे अमूमन बाहर में बैठ बाहर से जब देखते हैं तो आलोचना करनी पड़ती है, अगर आप वो चीज़ें ठीक ना हो तो। बहुत ब्रेवरी है, बहुत बिलीफ है, बहुत फेथ है। राहुल द्रविड का आखिरी ये टूर्नामेंट था बाय द वे एज एन इंडिया कोच, तो ये टीम मैनेजमेंट की विक्ट्री की जो थोड़ा सा अंडर रेटेड होती है या फिर अंडर द रेडार चली जाती है। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही हो आकाश भाई, और यही सवाल मैं एक्चुअली आप सब लोगों से पूछने भी वाला था कि जब भी इस टीम से एक्सपेक्टेशंस कम हो, क्योंकि 2007 में मुझे याद है मैं जोबर्ग में था और बहुत लोगों को बिलीव नहीं था ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने लगा था कि ये टीम में इतना दम नहीं है, बड़े खिलाड़ी नहीं है। इस टीम में दो बड़े खिलाड़ी थे और दोनों पे पूछे जा रहे थे कि ये बड़े खिलाड़ी क्यों खेल रहे हैं। आईपीएल रोहित का बहुत ही खराब गया था, हार्दिक पांड्या का अगर आप देखें तो किस तरीके से गया, और वो एक मूवमेंट था कि जब रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के कंधे पर हाथ रखा है आखिरी ओवर पर बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये टीम में कभी कोई डिविजन नहीं था, हर एक खिलाड़ी एक दूसरे को बैक कर रहा था, और यही सबसे बड़ी खासियत है कि इस पूरे टीम की। और टीम मैनेजमेंट की आपने बात करी आकाश भाई, आई थिंक ऑल क्रेडिट टू राहुल द्रविड़, रोल बहुत क्लैरिटी से था, हर प्लेयर को अपना एक रोल दिया गया, बोला कि आपको ये रोल करना है, आपको ना इससे कम करना है ना आपको इससे ज्यादा करना है, ये करना है इस वक्त आपको करना है, और अक्षर पटेल पे बिलीव करना, रविंद्र जडेजा से ऊपर खिलाना, हार्दिक पांड्या जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हम घर लेके आ रहे हैं, जीत का क्रेडिट जीत के कहेंगे आज के हार्दिक पांड्या। अगर उन्होंने क्लासन का विकेट नहीं लिया होता तो आज शायद मैच का रुख कुछ और हो सकता था। आज हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया कि जो लोग उनको बू कर रहे थे पिछले दो महीने पहले बिकॉज ऑफ मुंबई इंडियंस, आज उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या है। तो इसलिए मैं हार्दिक पांड्या को आज मैन ऑफ द मैच मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्लासन का विकेट लिया। मैच आपके साथ सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किस प्लेयर की? मेरे हिसाब से पूरा टीम वर्क था, सबने बहुत उमदा किया। सूर्य कुमार का जो कैच था, सूर्य का कैच और रोहित की टीम लीडिंग बहुत बढ़िया थी। टीम इंडिया, इंडिया ही कहते हैं। ठीक है, किसकी परफॉर्मेंस? बुमराह मैन ऑफ द मैच। बुमराह के बढ़िया, एक बार सारे चला के बोलो इंडिया ही कहते हैं। सरप्राइजिंग एलिमेंट कौन था पूरी सीरीज का? सरप्राइजिंग एलिमेंट कौन था जो किसी मैच में नहीं चला?
और जीरो पॉइंट नहीं निकला। कोहली 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 इंडिया इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस बचा के रखी थी। क्या फाइनल मैच बताया सूर्य कुमार की कैच के लिए एक बार ताली बजा। मेरे हिसाब से अक्षर पटेल का ओवर बहुत छोटा था, बहुत कम उसने वो किया, बट जो भी था उसका बहुत इंपैक्टफुल था। इस हिसाब से कि भाई पूरी इंडिया को सपोर्ट कर दिया उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे वो शायद उस समय नीचे आ रही थी, बट फिर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि वो आगे बढ़ा पाई। जय जय श्री राम। बुजुर्ग अम्मा है, बहुत खुश है, इनका कहना है कि आज बहुत खुशी हुई है, 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप भारत जीती है। इनके 2007 में जब भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, इसके बाद अब 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीती। और आप देख सकते हैं भोपाल में न्यू मार्केट में जश्न का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहा है और यहाँ पर लोग यहाँ पर बहुत खुशी मना रहा है। जी आयुष जी। ओके ठीक है, आप रहिएगा नितिन हमारे साथ। तो देखिए ये जगह जगह जिस तरीके से ये खुशी है, अब अतुल मैं आपसे समझना चाहूंगी, मतलब ये मैच आप भी जिस तरीके से देख रहे थे, आपको भी लग रहा होगा कि ये मैच शायद हाथ से निकल गया। कौन सा वो टर्निंग पॉइंट जहां कर लगा कि नहीं वो कॉन्फिडेंस अब टीम इंडिया का वापस आ गया? देखिए टॉस जीतने पे अरे मुझे अच्छा लगता है कि जब जीते तो खुशी मनानी चाहिए क्योंकि एंजॉय करें, क्योंकि उसके बाद दुख आने वाला है। ये बुद्धा ने भी कहा था कि जब से खुशी होती है तो फिर दुख, ये जिंदगी है मुझे लगता है। पर आप जो कह रहे हैं जीत का सहरा जो है कि ऐसे आप कह नहीं सकते, मुझे लगता है आकाश ने बात की थी कि अक्षर पटेल को प्रमोट करना, तो ये बड़ी एक जो कहते हैं क्योंकि सफलता के बहुत बाप होते हैं और असफलता एक नाजायज औलाद होती है, तो इसलिए यहाँ पे बड़े सारे हीरो हैं। पर आज का हीरो मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और ये बताता है कि हमारा एटीट्यूड है कि उस समय ऑन द स्पॉट आपने प्रमोट किया, वो काम चल गया, अगर नहीं चलता तो फिर और गालियां पड़ती। तो ये हमारे यहाँ पे नैरेटिव होता है कि अपना सेफ खेलो, तो सेफ खेलते खेलते आप ज्यादा अचीव नहीं करते। और यही आकाश आपसे भी अगर मैं समझूं, आपको कहां पर लगा कि मतलब ये मैच हाथ से जा रहा था लेकिन फिर उसके बाद टीम इंडिया ने वो अपना खेल दिखाया कि वापस हमारी हमारी झोली में आ गई और अब हम तो चैंपियन है? हाँ नहीं, एक तो विश्व विजेता है, ये थोड़ी देर टाइम लगता है समझने में, याद करने में कि हाँ हम एक बार फिर ट्रॉफी उठा चुके हैं। और सच्चाई ये है कि जब मैच आप देख रहे थे और आपने बहुत मैचेस देखे हैं, एक समय था जब वो बुमराह का ओवर शुरू हो रहा था, 26 गेंदों में 26 रन चाहिए, रन बॉल चाहिए, बैटर सेट है, आपको मेरा दिल भी बैठ गया था, मैंने कहा होने वाला नहीं है यहां से। अब चलिए अब जब हो गया सो हो गया, यू स्टार्ट होना ही था कि अब नहीं हो पा रहा है, ये 19 नवंबर को भी हुआ नहीं हुआ चलो नहीं होता है, पर वहां से जब गेम बदलता है और उसके बाद अगला ओवर होता है, उसके बाद अगला ओवर होता है, वो अलग था। क्योंकि ये फाइनल्स ना, वैसे एक और बात मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द फाइनल्स आर वन साइडेड गेम्स, कि फाइनल्स नहीं जाते एंड तक, ये हमेशा एक टीम बहुत आगे निकल जाती है, वो टाई हुआ। पर 2023 का 2023 वन साइडेड हराया उन्होंने हमें, पिछला वर्ल्ड कप देख लो 2020 का, कहते हैं बड़ा क्लोज होता है और आराम से जीता इंग्लैंड, वो 15 गेंदे बची हुई थी 18 गेंदे। तो ये फाइनल ऐसा हो जाए ना, मतलब ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला था जिसमें कितने बड़े भी आप क्रिकेट के ज्ञाता क्यों ना हो, आपने कितनी भी खेली क्यों ना हो, आपकी कितनी भी समझ क्यों ना हो, आपके जहन में एक बार तो जरूर आया था कि इंडिया यहां से जीत नहीं सकती है और वहां से अगर आप जीत जाए तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल, और वही बात है जो हम देख भी पा रहे हैं इस वक्त। अच्छा हम आप दोनों का मैं रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले कि वो तस्वीरें थोड़ी और ज्यादा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरा इंडिया गेट लिए चलते हैं। दिव्यांकर हमारे संवाददाता वहीं से जुड़े हुए हैं। दिव्यांकर दिखाइए जरा आप, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गई है और जश्न किस तरीके से आपके इर्द गिर्द मनाया जा रहा है, तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों के सामने रखिए जरा। लगातार चल रहा है, तस्वीरें हम इंडिया गेट के दोनों ओर की आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे ठीक दाहिनी ओर आप देख पाएंगे किस तरह से जो भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी गाड़ियों से बाहर, यहाँ पर निकलकर भारत के विश्व कप जीतने के बाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार डांस कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर आप उत्साह देखिए लोगों के अंदर कितना ज्यादा उत्साह है, दूसरी बार इन्होंने लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं क्या परफॉर्मेंस सबसे अच्छी, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी कोहली भाई, हार्दिक पांड्या ने जो लास्ट ओवर में विकेट लेकर इंडिया को जीत दिलाई है, हार्दिक के लिए दिल से थैंक यू इंडिया इंडिया। आपको कौन अच्छा लगा? हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, हमारी जान बचा के रखा हमारे देश की आन शान बन, विराट कोहली, विराट कोहली इज अ बॉस, हार्दिक पांड्या एंड सूर्य कुमार यादव, सबकी परफॉर्मेंस हमें हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, वी वांटेड फॉर राहुल द्रविड़,
विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इंडिया कोहली सबका बाप। हमारे देश हमारे देश की आन बान शान विराट कोहली। यहाँ पर जो जश्न है वो लगातार चल रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग खिलाड़ियों को बेहतर बता रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक टीम को एकजुट होकर आज मैदान पर टीम इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अफ्रीका के मुंह से मैच एकदम जीत निकाल कर भारत ने जीत हासिल की और 7 ओवर से, जिसके बाद इंडिया में जश्न का माहौल है। दिल्ली में तमाम जो फैंस अरे इंडिया तस्वीरें आप देखते रहिए इंडिया गेट की, जहां पर तमाम जो फैंस है वो पहुंचे हुए हैं और खुशी का उत्साह नहीं है, छोटे छोटे बच्चों से बात कर लेते हैं। देखिए इनके चेहरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की रात इनके लिए क्यों खास हो जाती है, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया है, 17 सालों का इंतजार, जिसके बाद आज ये मौका हमारे सामने आया। व्हाट अ कैश फॉर अ मैन, दिस इज अ विन फॉर यू सूर्य कुमार यादव। अगर विराट कोहली विराट कोहली हर तरफ से आवाज आ रही है, इसका मतलब भी है। विराट कोहली जिस तरीके से उन्होंने उस उम्मीदों को बांध कर रखा, और आज अगर हम ये कह रहे हैं कि आज हम चैंपियन हैं, 17 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, तो ये जो नारेबाजी हो रही है, जो ये उनके समर्थन में लोगों के आंखों से आंसू तक निकल रहे हैं, ये जाया तो नहीं है ना, ये बेकार तो नहीं है? नहीं, प्यार बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं, और प्यार डिजर्व करते हैं क्योंकि इतने सालों तक इतना अच्छा खेलते हुए आए हैं। आज भी उन्होंने रन्स बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस देकर गए हैं, एक ऐसे समय पे जब भारत थोड़ा लड़खड़ा गया था, 3 आउट फटाफट हो गए थे, तो वहां से अच्छा किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर आज की शाम एक्चुअली सिर्फ उनकी तो नहीं है ना, वो रोहित शर्मा के बराबर ही है। रोहित शर्मा हमें विश्वास नहीं होता, एक्चुअली सिर्फ भारत के तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है एज ए कैप्टन। बहुत छोटा सा एलीट क्लब है जिसमें पाजी हैं, कपिल पाजी, महेंद्र सिंह धोनी ने 2 बार जिताया है, और अब रोहित शर्मा का उसमें नाम शुमार है। और लेट्स नॉट फॉरगेट, ये भारतीय क्रिकेट की ये एक्चुअली थोड़ी सी है, तो मैं कहता हूँ ये मिसफॉर्च्यून है कि जसप्रीत बुमराह बुमराह क्यों नहीं चला रहे मेरे दोस्त, क्योंकि बुमराह जो है वो विश्व का नंबर 1 गेंदबाज है और पूरे टूर्नामेंट में अच्छा करके आया है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो, और एक नाम मैंने नहीं सुना अभी तक बुमराह बुमराह का, तो हम कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि जो जो खिलाड़ियों ने अच्छा किया है, 5 उंगलियां मिलती हैं तो मुट्ठी बनती है। विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जज्बात है वो, पर आज तो तारीफ भैया सबकी बराबर बनती है, किसी की भी एक की भी ज्यादा होगी ना तो मैं कहूंगा नहीं यार गलत हो रहा है, दूसरे वाले को भी साथ लेकर आओ, क्योंकि उसका भी काम ना उतना ही इंपॉर्टेंट था। और अतुल पिटाई भी बहुत होती है अगर हम बात करें उसकी, तो देखिए जिस तरीके से 1 ओवर में 4 रन देना, और कई बार इस तरह की हमने तस्वीरें भी देखी जब वो फैंस के निशाने तक पर भी आ जाते हैं। अरे मुझे लगा आप वैसे पिटाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हारते हैं ना तो आपके घर में लोग पत्थर मारते हैं, और जीतते हैं तो मंदिर बनते हैं। इंडिया में होता है, कहीं नहीं होता। पर मैं कह रहा था पहले शो में कि देखिए 140 करोड़ लोगों की जो आशाएं हैं, जो उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, वो कभी तो भगवान इतने कठोर नहीं है, हमारे कितने देवी देवता हैं, तो आज तो बनना ही था मुझे। इट वॉज जस्टिन कि भाई 13 साल तक आप 140 करोड़ बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप, तो वो कैसे नहीं मिलता हमें? बिल्कुल, और देखिए वही तो है ना कि अब दुआएं भी हो रही थी, प्रार्थनाएं भी हो रही थी, लोगों के मन में उम्मीदें थी और भरोसा था अपने इन तमाम चैंपियंस पर, अपने प्लेयर्स पर, अपने खिलाड़ियों पर, कि आज वो मौका हमें मिलेगा। अच्छा, तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले आपने खत्म कर दिया। आपके लिए आकाश ने बताया कि हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, पूरी टीम का एफर्ट है, लेकिन फिर भी मैं अगर पूछूं कि आपके लिए इस मैच में कौन सा वो सरप्राइज एलिमेंट रहा, कौन सा वो खिलाड़ी रहा जिसने आपको चौंकाया या फिर लगा कि उसका एफर्ट सबसे आगे दिखा? ये सवाल ही गलत है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं इंडियन टीम के लिए तो चौंकाने वाला तो कोई खिलाड़ी है, हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं, और ये मुझे लगता है कि ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबसे जैसे मैंने कहा था विराट कोहली ड्यू है, कोई लोग कह रहे थे ड्रॉप करे, और रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज रन नहीं बनाए पर यहाँ तक लाए तो सही। तो क्रिकेट में ना इंडिविजुअल नहीं होता, टीम में सिर्फ कोई आए नहीं है, टीम में टीम स्पोर्ट है, इसे मुझे लगता है कि कई बार हम ज़्यादा वो जाते हो किसी एक बड़े नाम को लेके, स्टार सिस्टम हमारा ऐसा है, पर कब ये चेंज हो जाए, क्योंकि बाकी देशों से हमें सीखना चाहिए कि
एक टीम स्पोर्ट को आप सबको उतना ही वैल्यू दे, इवन जो लोग नहीं खेले उनको भी, टीम एफर्ट, और उसी का नतीजा है कि आज हम जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन आकाश, हम उस लास्ट ओवर की पहली गेंद को तो नहीं भूल सकते ना, सूर्य कुमार यादव का वो कैच, वो तो हमेशा याद रखा जाएगा। हाँ एब्सोल्युटली, मैंने तो इनफैक्ट एक मीम भी देखा है जिसमें वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, उनके हाथ में ट्रॉफी पकड़ा दिया किसी ने कि ये कैच नहीं पकड़ी है तो ट्रॉफी पकड़ी है, क्योंकि 16 रन रहते थे। और ये एक हमारे ये जीवन की एक्चुअली सच्चाई है कि जो चीज आखिरी होती है ना वो हमारे को सबसे ज्यादा याद रहती है। थोड़ा रिसेंसी बायस रहता है, इसलिए हमने अक्षर पटेल की अभी तक बात नहीं की कि ऊपर बैटिंग करने आए थे, 47 रन बनाए थे, कोहली के साथ खेल रहे थे, कोहली से बेहतर खेल रहे थे उस समय, एक्चुअली 3-4 छक्के लगाए बढ़िया बढ़िया। पर वो जो सूर्य कुमार यादव का कैच क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, उससे पिछले ओवर में 4 दिए थे, उससे पिछले ओवर में 2 दिए थे, तो 22 गेंद जो 22 रन से आप लेकर उसको घसीट कर 16 तक लेकर आते हैं, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। वो पहले दो गेंदबाजों ने किया, उसके बाद एक्चुअली बॉल जो थी वो हल्की बॉल थी, फुल टॉस गेंद थी, सामने छक्का जाना चाहिए था और ऑलमोस्ट हो भी गया था, पर सूर्य कुमार यादव उस कैच को तब्दील कर देते हैं। और वहां बात याद आती है कि जैसे कहा ना कि जो बाहर भी बैठे हैं, बाहर तो ना फील्डिंग कोच भी बैठा है, उसने बेचारे ने सारी जिंदगी ये मेहनत की है कि कैसे करके आप बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ो, बैलेंस को रखो और फिर अंदर आ जाओ। जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि ये जब आप पकड़ेंगे तो वहां पे ट्रॉफी बन जाएगी, लेकिन वो करते रहते हैं आप मेहनत सुबह शाम, एक दिन ऐसा होगा, मुझे उनका नाम भी नहीं पता। That's the point, क्योंकि आता ही नहीं है, यही तो सच्चाई है। राहुल द्रविड़ तो फिर भी हम सबको मालूम है, विक्रम राठौर वहां पे नजर आ जाएंगे, फील्डिंग कोच कौन से हैं, नए आए थे अभी एक साल पहले, पर नाम नहीं पता मुझे, पर सबको सब मिलकर करते हैं ना तभी तो काम होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। बिल्कुल, और इसीलिए पूरी टीम को बधाई है ना इसके लिए। तो लेकिन कुछ तस्वीरें यादगार रह जाती है, जब भी हम अतुल कोई ट्रॉफी हमारे देश में जब जीतकर हमारे चैंपियंस के जरिए लाई जाती है तो कोई ना कोई एक तस्वीर जो हमेशा यादगार रहती है। अभी तो तस्वीरें आना बाकी है, लेकिन एक तस्वीर जिसमें हम विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को हाथ में ट्रॉफी और कंधे पर तिरंगा, ये हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि ये इतने अंडर 19 से एक साथ खेल रहे हैं और दोनों ही आइडेंटिफाई हो गए थे कि बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, और अब ये उतने साल एक साथ खेलना और डिलीवर करना ये आसान बात नहीं है। आप कहते हैं कि पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एकजुट होनी पड़ेंगी, आपका मेंटल मेकअप, आपकी फिटनेस, आपके लिए जो सपोर्ट स्टाफ है, तो अब ये यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये डिवाइन वो है, वो है क्या कहते हैं, गिफ्ट है। और मुझे लगता है कि अब जय शाह वहाँ हैं, अब टीम को क्या बोनस अनाउंस करेंगे, हमारी पेंशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये कल पता लगेगा। लेकिन एक बात तो इसमें क्या है ना कि कुछ कहानियां ना अधूरी रह जाती हैं। अब जैसे सचिन तेंदुलकर के साथ भी बहुत सारे लोग बहुत समय तक खेले, सौरव गांगुली भी थे उसमें, राहुल द्रविड़ भी थे उसमें, अनिल कुंबले भी थे, कुंबले तो बिल्कुल साथ खेलना शुरू हुए, लेकिन सब रह गए थे पीछे। जब अंत में विश्व कप उठाया तो सचिन तेंदुलकर अकेले थे। अब जब हम रोहित और कोहली की बात कर रहे हैं ना, 2007-08 में ऑलमोस्ट आसपास करियर शुरू हुआ था, किसी ने कभी चढ़ान देखी, किसी ने कभी उतराव देखा, लेकिन जब ये आखिरी विश्व कप ऐसा लग रहा है, एक्चुअली ये शायद अपना आखिरी विश्व कप है, डेफिनेटली T20 एडिशन का तो आखिरी ही है, एक ने संन्यास ले लिया और एक कुछ समय में ले लेगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये मतलब ऐसी कहानी, ये पूरी कहानी बहुत कम बार होती है लेकिन यहाँ हो गई है, इसलिए वो जो चित्र की आप बात कर रहे हैं वो आइकॉनिक इमेज है, वो आज नहीं आज से 40 साल बाद भी उसको देखेंगे और याद किया जाएगा कि यार ये दो कुछ खिलाड़ी ऐसे आए थे, एक कोहली था एक रोहित था और इनको कोई रोक नहीं पाया था। शायद आगे हम भी कभी इसे लेकर चर्चा कर रहे होंगे। अतुल, राहुल द्रविड़ को किस तरीके से उनका जिक्र होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक मेहनत रही टीम के पीछे, पूरा देश इस बात का जिक्र कर रहा था, और राहुल द्रविड़ को लेकर अब तो शुभकामनाओं की जो है वो झड़ी सी लग गई है, क्योंकि 17 सालों का एक लंबा सफर उनका भी रहा और आज आकर ये जीत। देखिए, आसान काम नहीं है इंडियन टीम का कोच बनना, क्योंकि आप ऑलवेज रडार पे रहते हैं, पर डिलीवर किया उन पर राहुल द्रविड़ का जो योगदान है ना वो इंडियन टीम के साथ नहीं है, जो उन्होंने पहले 4 साल हमारी अकेडमी सिस्टम, हमारे जूनियर्स को तैयार किया, उसका रिजल्ट है, तो वो मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए, वो उस बात के लिए ज़्यादा है, क्योंकि नॉन ग्लैमरस काम करना इंडिया में कोई चाहता नहीं है। आप यहाँ जीत गए, आप उनको कह रहे हैं, पर आपने नोटिस नहीं किया कि 3 साल तक वो NCAA के और जूनियर टीम के साथ रहे हैं और उन्होंने ये डिलीवरी, ये सिस्टम हमारा, ये कन्वेयर बेल्ट जो है खिलाड़ियों की, उन्होंने पैदा किया है।